दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहली सर्जरी किसने की और कैसे की? तो चलिए हम आपको बताते हैं। लगभग 2600 साल पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था सुश्रुत, जो कि उत्तर भारत में काशी में रहते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा वहां के एक प्रसिद्ध वैद्य काशीराज देवदास से प्राप्त की, जिसके बाद वह घायल सैनिकों का इलाज किया करते थे। एक दिन युद्ध के समय एक सैनिक की नाक काट दी गई। उस दौरान उन्होंने उसकी नाक की सर्जरी की, जिससे वे बने दुनिया के पहले सर्जन। लेकिन उन्होंने नाक ही की नहीं बल्कि ब्रेन, एब्डोमिनल, आँख इत्यादि की सर्जरी का भी ज्ञान था, जो कि उनकी किताब सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। उन्होंने इन सर्जरी को करने के लिए अनेक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। कहा जाता है उन्होंने इन सर्जरियों को करने के लिए 300 से भी अधिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। उनकी लिखी किताब सुश्रुत संहिता, जो कि 600 BCE में लिखी गई थी, वो दुनिया में एक अरब की किताब, जो कि उसकी ट्रांसलेशन थी, उसके द्वारा सामने आई। उस किताब का नाम था शाशुन अल हिंद और किताबे सुश्रुत। बाद में उनकी यह किताब अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट की गई, जो थी लैटिन, जर्मन इत्यादि। इस प्रकार वे पूरी दुनिया में विख्यात होने लगे। लेकिन समय के साथ साथ उनकी पहचान कम होती गई। आज भी एक पत्ते पे लिखी उनकी किताब की एक मैन्यूस्क्रिप्ट लॉस एंजलस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई है। सुश्रुत ने दुनिया को सर्जरी की एक नई पहचान दिलाई और वहां से वे बने दुनिया के पहले सर्जन। दोस्तों, भारत का बहुत सारा ज्ञान यूं ही अनेक देशों में जाता रहा और हमारे देश में इसको कोई महत्व नहीं मिलता। हमारा यह चैनल भारत में हुए अनेक वैज्ञानिकों की स्टोरी को बताएगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जितना हमें मिला उतना ज्ञान आपको बताया। हम इस चैनल पर अनेक साइंटिस्टों की स्टोरी डालेंगे या उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में डालेंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अनेक ऐसी वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।